गाइज, हमारा गूगल अकाउंट हम लोगों के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और अब गूगल अकाउंट इम्पॉर्टेंट है तो यार इसका जो बैकअप है ये हमारे पास होना ही चाहिए। अब आप बोलोगे भैया गूगल अकाउंट का तो बैकअप गूगल अकाउंट में रहता है, आप कभी भी साइन इन करो आपको मिल जाता है। लेकिन तब का क्या जब आप साइन इन ना कर पाओ या आपको आपकी ईमेल आईडी ही याद ना आए। ये उन सिनेरियोज में काम आएगा, स्पेशली जो लोग यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाते हैं। इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल टेक आउट के बारे में, ये गूगल का ही एक प्रोडक्ट है, गूगल की ही एक सर्विस है जिसके थ्रू आप अपने गूगल अकाउंट की प्रत्येक चीज का बैकअप ले सकते हो और उसको आप अपने लोकल डिवाइस पर यानी कि अपने कंप्यूटर पर या अपने फ़ोन की स्टोरेज में सेव करके रख सकते हो और उसको कभी भी फ्यूचर में एक्सेस कर सकते हो। और स्पेशली जो यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं उनको तो हमेशा अपने यूट्यूब का बैकअप रखना ही चाहिए। हमने भी बैकअप बना लिया है ना, और हमने डाउनलोड भी उसको करना शुरू कर दिया है अपने लोकल स्टोरेज पर। हम पूरी 40 GB की लगभग हमारी वीडियोज़ बनी है, 1200 कुछ आसपास, 1100 के आसपास। तो ये बैकअप आप कैसे ले सकते हो ये मैं आपको बताने वाला हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो को लाइक कर देना, सभी के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, ऐसी ही वीडियोज यहाँ पर आती रहती है। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, इसके लिए आप अपने किसी भी ब्राउजर पर जाएंगे और सर्च करेंगे takeout.google.com, या आप गूगल टेकआउट सर्च कर सकते हैं, पहला लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। वैसे इसकी लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी मिल जाएगी। हम डायरेक्टली गूगल क्रोम ओपन करते हैं, हमने वेबसाइट ओपन करी हुई है। Chrome, start recording. Chrome, connection is secure. New site information. Take up new tab. Switch. Customize Google Takeout. Web view. ओके, गूगल टेकआउट हमारी वेबसाइट हमारे सामने ओपन है। Google account setting. आगे आगे आप स्वाइप करेंगे। Help, collapsed. Google, back. Google, your account, your data. ठीक है, योर अकाउंट योर डेटा है ना, ये बोल रहा है कि आप अपना डेटा यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो और उसको डाउनलोड करके रख सकते हो, बैकअप करके रख सकते हो अपने पर्सनल यूज के लिए, या अगर उस डेटा को आप कहीं और यूज करना चाहते हो गूगल के अलावा। ठीक है, ओके, क्रिएट अ न्यू एक्सपोर्ट। यहाँ पर हमने कोई भी पहले से बैकअप क्रिएट नहीं किया है, हमारे हमने चैनल पर कर रखा है, लेकिन ये हमारी दूसरी आईडी है। अब गाइस यहाँ पर ना तीन चार स्टेप आपके सामने आएंगे जो आपको कंप्लीट करने होंगे। पहला स्टेप है कि आपको क्या क्या बैकअप लेना है वो आप सिलेक्ट करेंगे। 52 आइटम्स लगभग सिलेक्टेड है यहाँ पर, सारी गूगल की है, मैं दिखाता हूँ। देखिए एक्सेस लॉग्स है, अलर्ट्स है, तो मेरे हिसाब से सारा तो आप मत ही लेना, मेन यूट्यूब का ही लोगों को रहता है, हम इसको डिसलेक्ट ऑल कर देते हैं। Select all. ठीक है, अब आप सबसे लास्ट में जाएंगे, स्क्रॉल कीजिए, अब लास्ट में जाएंगे हम, यूट्यूब ढूंढते हैं यहाँ पर, ज्यादा आगे तो नहीं चला गया। नहीं, ठीक है, ओके, और स्वाइप करेंगे हम, अभी एम पर आए हैं हम, वाई पर चलना है हमको। देखिए क्या लिखा है, YouTube एंड YouTube म्यूजिक, वॉच हिस्ट्री, सब्सक्रिप्शन, एवरीथिंग आ जाएगा जो भी आपने YouTube पर और YouTube म्यूजिक पर भी क्रिएट किया है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको कोई जरूरी चीज यहाँ पर लग रही है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर गूगल ड्राइव, मेल, क्रोम, सारी गूगल की सर्विसेज है सारी, ठीक है, लेकिन हमको YouTube का ही चाहिए मैंने, और YouTube में भी हमको सिर्फ हमारी YouTube वीडियोस का और प्लेलिस्ट का ही चाहिए। वो कैसे आप करेंगे, More info for YouTube, not checked. Select YouTube. पहले आप इसको सिलेक्ट करेंगे, view available categories for YouTube and YouTube music. यहाँ पर आपको क्लिक करना है, view available categories for YouTube and YouTube music. यहाँ पर आपके सामने बहुत कुछ खुल जाएगा। Okay. अब यहाँ पर हम सिर्फ बाकी को डीसिलेक्ट कर देते हैं। Checked. History. वैसे हमने कुछ भी यहाँ पर इस आईडी पर यूट्यूब चैनल ही क्रिएट नहीं किया, तो हमको सब कुछ सिलेक्ट ही रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आप बाकी सब कुछ अनसिलेक्ट करके सिर्फ म्यूजिक लाइब्रेरी सॉन्ग वीडियोस आपने सिलेक्ट कर लेना। ओके, अब हम इसको YouTube, सिंपल सा ओके कर देते हैं। कंट्रोल वाइज जाएंगे हम लोग एक बार, ओके पर, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना, check, बहुत कुछ है, म्यूजिक अपलोड्स है, check, my posts, आपके सब्सक्रिप्शंस है, पोस्ट्स है, check, shopping, shopping है, ओके, ओके कर दिया हमने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप पर। सिलेक्टेड, एक्सपेंडेड,
अब यहाँ पर आपको फाइल टाइप चूज करना है, फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करनी है और डेस्टिनेशन. बताता हूँ आहिस्ता आहिस्ता क्या है ये. सबसे पहले आपकी है डेस्टिनेशन ट्रांसफर टू. आपको ये क्या चाहिए, आपको ईमेल के थ्रू डाउनलोड लिंक चाहिए या आप चाहते हो आपका ड्राइव पे अपलोड हो जाए. सबसे बढ़िया ईमेल के थ्रू डाउनलोड लिंक मंगवाओ, कहीं भी डाउनलोड करके रख लो. Set download link via email. Okay, by default selected. इसको हम आगे swipe करेंगे. When your files are ready, you will get an email with a download link. You will have 1 week to download your files. ये बोल रहा है जब आपकी files ready हो जाएंगी, आपको download link मिल जाएगा. आपके पास एक हफ्ता होगा आपकी files को download करने का. Learn more. Open about how to locate, access, and share your data. ठीक है. Frequency. हमको नहीं जाना. अब है frequency. कि आपको कितने बैकअप लेने हैं. यहाँ पर 1 एक्सपोर्ट होता है, अगर आप 6 एक्सपोर्ट कर देते तो आपके 6 बैकअप हो जाएंगे, होते रहेंगे. 1 एक्सपोर्ट ही हम सिलेक्ट कर देंगे. अब फाइल टाइप एंड साइज आपको सिलेक्ट करना है. यहाँ पर डॉट जिप आप सिलेक्ट करके रख लेना, क्योंकि आप इसको कंप्यूटर में इजिली जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. और दूसरा भी एक फॉर्मेट है, ये आपको करना नहीं है. ये देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि zip फाइल जो है ऑलमोस्ट हर एक कंप्यूटर में ओपन हो जाती है. file size. अब फाइल साइज एक इम्पॉर्टेंट चीज है. अब आपके हिसाब से आपको जो है ध्यान रखना है कि आपका डेटा कितना है. अगर आपने 500-600 वीडियोस बना रखे यूट्यूब पे तो आराम से 20-30 GB जो है आपका जाएगा. लेकिन अगर आपने कुछ वीडियोस वगैरह नहीं बनाई है, आपके मेल्स ही हैं, आपका क्रोम ये छोटा छोटा, तो ये 1-2 GB से भी कम ही होगा. अब यहाँ पर एक कैच है, बताता हूँ. आप यहाँ पर जितना साइज सिलेक्ट करोगे उतने साइज का आपको मिलेगा. मतलब अगर उससे कम होगा तो कम ही होगा, लेकिन मान लो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट है 2 GB. अब अगर आपका 2 GB से कम हुआ या 2 GB हुआ तो आपको एक ही फाइल मिलेगी. अगर 2 GB से ज्यादा आपका डाटा होता है तो आपको मल्टीपल फाइल्स मिलेंगी, है ना. मतलब मान लो आपका 4 GB का डाटा है तो 2-2 GB की आपको दो फाइल मिलेगी. अगर 5 GB का है तो 2-2 GB की एक, 1 GB की एक, समझ गए ना. लेकिन अगर आप यहाँ पर 4 GB सिलेक्ट कर देते हो तो 4 GB के हिसाब से होगा ऐसा. 10 GB भी आप कर सकते हो. ठीक है, हम 2 GB सिलेक्ट करने देंगे. यहाँ पर आगे देखिए लिखा है सेम चीज जो मैंने बताई है. Exports larger than the size will be split into multiple files. ठीक है, स्प्लिट हो जाएगा मल्टीपल फाइल्स में. Create export. बस button. यही आपको स्टेप्स करने हैं. हम क्रिएट एक्सपोर्ट पर क्लिक करते हैं. Selected, expanded, export progress. अब देखिएगा यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रोग्रेस. Loading. Privacy. Loading. Selected, expanded, export progress. ठीक है, लोडिंग ले रहे हैं ये, है ना. हम इसको लोडिंग लेने देते हैं. अब यहाँ पर आपके सामने एक मैसेज आपको दिखाई देगा कि ये जो एक्सपोर्ट है इसको रेडी होने में आवर्स भी लग सकते हैं, घंटे भी लग सकते हैं. मेरा यूट्यूब का जो है लगभग 2-2.5 घंटे में रेडी हो गया था, 40 GB. तो आप ईमेल के थ्रू जो है आपको लिंक आ जाएगा और आपको जो है उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, है ना. लेकिन अब ये लोडिंग ही ले रहा है क्योंकि हमारा इंटरनेट इशू है. तो हम इसको लोड होने देते हैं, फिर हम आपसे हो गया क्या. ओके, तो इसको हम लोडिंग होने देते हैं. इंटरनेट का कुछ इशू चल रहा है फिलहाल, तो उसके बाद हम आपसे बात करते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से आपको जो है ईमेल पर लिंक आता है और किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हो. तो ये हमारे सामने जो है मैसेज आया, देखिए. प्राइवेसी लिंक क्रिएटेड कैंसिल. दिस प्रोसेस कैन टेक अ लॉन्ग टाइम, पॉसिबली आवर्स और डेज टू कंप्लीट. योर गूगल इज क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ डेटा फ्रॉम YouTube एंड YouTube Music. ठीक है, गूगल इज कॉपीइंग योर डेटा फ्रॉम YouTube एंड YouTube Music. दिस प्रोसेस कैन टेक आवर्स एंड डेज. वी विल सेंड यू द, वो कह रहे हैं मैं आपको लिंक भेज दूंगा ईमेल के, ये कह रहे थे. कैंसिल एक्सपोर्ट. ओके, आगे आपको कैंसिल एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हो. अब हम लोग कुछ टाइम तक इंतज़ार करेंगे, अगर हमको ईमेल लिंक आता है तो हम आपको इसको आगे का प्रोसेस बताते हैं. वैसे कुछ है नहीं, सिंपल सा ही है. आपको जो है सीधे ईमेल लिंक पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड योर फाइल्स, उस पर आप क्लिक कर देना. बस कुछ भी नहीं करना और आपकी फाइल्स डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी डॉट जिप के फॉर्मेट में और आपके फ़ोन में सेव हो जाएंगी. अब इसको तो लगेगा टाइम भैया आने में. तो यही प्रोसेस था गाइज अपना डेटा बैकअप करने का. और ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको हेल्पफुल लगी होगी, बहुत नॉलेजेबल ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी. तो सभी के साथ इसको शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लो, ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहती हैं. व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग और पे से जुड़ सकते हो, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.